हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हमें सीखना है कि किस तरह से हम नेगेटिव कैश के बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। तो अगर हम कैश की रिसीविंग नहीं कराते हैं टैली ईआरपी 9 में या प्राइम में, तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इसी के बारे में सीखना है, तो चलिए ये चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जान लेते हैं इसके क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं और ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ये चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। टैली में बिना रिसीविंग के एंट्री पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं। ये टैली ईआरपी 9 है, नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है, यानी कोई एंट्री हमने करी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वी प्रेस करके आ जाते हैं परचेज वाउचर में। हम रिसीविंग नहीं करा रहे हैं, हम सीधा सीधा एंट्री पास करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से परचेज वाउचर में आ जाएंगे और परचेज वाउचर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, डाल दिया, एंटर प्रेस करके यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। मान लीजिए 1 अगस्त को ही परचेजिंग हो रही है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी क्रेडिटर पार्टियां हैं, देखिए एक सोहन सी करके है, उषा सी करके है, विकास सी, ये सब क्रेडिटर पार्टियों के नाम है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, एक किसी क्रेडिटर पार्टी का नाम हम ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर राम है, फिर ये यहाँ पर दिया है सोहन सी, इसका लेजर हम लगा लेते हैं, एंटर करते हैं। स्टेट डालना कंपलसरी है, स्टेट डाल लिया, परचेज अकाउंट का लेजर लगा लिया, ठीक। अब यहाँ पर जो भी परचेजिंग करनी है, लाइक कीबोर्ड परचेज करना है तो गोडाउन हम रखते हैं देवरिया, ये देवरिया गोडाउन रख लिया। यहाँ पे 60 आइटम हम परचेज कर लेते हैं, रेट क्या डालेंगे 600 रुपए, ठीक है, ये परचेजिंग की रेट है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेड डिस्काउंट के लिए दिया गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे CGST आ रहा है, लग गया CGST, ठीक है। अब SGST लगाते हैं, तो ये SGST भी लगा दिया। अब ये हमने सब कुछ तो लगा दिया और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट भी करा लेंगे, ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई, लेकिन इसका पेमेंट भी तो हमें करना है, क्योंकि क्रेडिटर पार्टी का लेजर लग गया, तो पेमेंट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो पेमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में, 5 प्रेस करके जाएंगे, पेमेंट वाउचर में आ गए। अभी यहाँ पर लेजर कौन सा हमने इंसर्ट किया था, जो अभी हमने एंट्री पास किया उसमें लेजर कौन सा लगाया था, देखिए ये हमारी एंट्री है, तो यहाँ पे सोहन वाला लेजर लगा था, यानी कि सोहन क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पर सोहन को हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पर सोहन का लेजर आएगा, तो ये सोहन आ रहा है, देखिए सोहन सी करके आ रहा है ना, लगाइए कितना बकाया है 40,320 रुपए। तो जब हम इनको पेमेंट करने जाएंगे तो हमने कोई रिसीविंग ही नहीं कराई है, तो पेमेंट जैसे ही करेंगे तो ये हो गया पेमेंट, हो गया। यहाँ पर आएंगे कैश में पेमेंट कर देना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या ये पेमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ कैश कर दिया हमने। जैसे ही कैश किया तो यहाँ पर देख सकती हैं कि ये 40,320 रुपए रेड हो गया है। रेड होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हमारे पास कैश तो है ही नहीं, तो कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास कोई नेगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं, सॉरी नेगेटिव कैश का मैसेज नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट करेंगे, नेगेटिव कैश का मैसेज शो करे इसे एक्टिवेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से आप जा करके और इसको एक्टिवेट कर सकती हैं, यहां पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, F12 बटन प्रेस करके आपको जाना है और यहां पर नेगेटिव कैश का आपको मैसेज मिल जाता है। तो वार्न फॉर नेगेटिव कैश, देखिए ये दिया हुआ है वार्न ऑन नेगेटिव बैलेंस कैश बैलेंस, तो यहाँ पे ये यस दिया गया है, यस किया गया है, तो ये ऑलरेडी यस है, इसीलिए हमें वो रेड में दिखा रहा है। बस यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं, एंटर किया, देखिए यहाँ पे तुरंत क्या बोलेगा, नेगेटिव कैश दिख रहा है। तो नेगेटिव कैश कितना है, 40,300, हमारे पास कैश है ही नहीं, तो इसीलिए ये दिक्कत आती है। स्टूडेंट जो नए नए काम करने जाते हैं वो एंट्री तो कर देते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो वो पकड़ में आता है और फिर वहां पोल खुल जाती है। तो ये नहीं करना है, पहले कैश की रिसीविंग करा लेनी है, देखना है कि आपके पास पर्याप्त कैश है कि नहीं है, तब एंट्री पास करनी है, ठीक है। ओके।